वेलकम बैक। एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की तरफ से फिर से डिवेल्यूशन अनाउंस किया है। 1 अगस्त से पहले ही डिवेल्यूशन हो चुका था, अब 1 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी क्रेडिट कार्डों पर डिवेल्यूशन होगा। 1 सितंबर और 1 अक्टूबर को क्या डिवेल्यूशन होगा क्रेडिट कार्डों पर, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं टैग धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता रहे। पहला डिवेल्यूशन जो 1 सितंबर 2024 से एप्लीकेबल होगा वो है यूटिलिटी बिल पर। 1 महीने में हाईएस्ट आप 2000 रिवार्ड पॉइंट ही अर्न कर पाएंगे, 2000 के बाद आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। वही मैं बात करूं, दूसरा जो डिवेल्यूशन जो 1 सितंबर 2024 से होगा वो हुआ है टेलीकॉम बिल और केबल बिल का पेमेंट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो वहां पर भी आप 2000 रिवार्ड पॉइंट ही ले पाएंगे 1 महीने में हाईएस्ट। तीसरा जो डिवेल्यूशन हुआ है वो एजुकेशन फीस को लेकर हुआ है। 1 सितंबर 2024 के बाद आपको एजुकेशन फीस पेमेंट करने पर आपको कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। थर्ड पार्टी ऐप से अगर आप करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, बट आप सीधे ही यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन पेमेंट करते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसका पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। बट अगर आप एजुकेशन फीस का पेमेंट थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा 1 सितंबर 2024 के बाद। चौथा जो डिवेल्यूशन हुआ है जो कि 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल होगा, अगर आप अपने रिवार्ड पॉइंटों से स्मार्ट बाई के माध्यम से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं एप्पल का, तो 1 क्वार्टर में आप सिर्फ 1 बार ही एप्पल का प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे आप अपने रिवार्ड पॉइंटों से। पांचवा जो डिवेल्यूशन हुआ है जो कि एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 के बाद, अगर आप तनिष्क का कोई वाउचर परचेज करते हैं तो 1 क्वार्टर में आप 1 बार ही वाउचर परचेज कर पाएंगे, वो भी हाईएस्ट 50,000 रिवार्ड पॉइंटों तक का। 50,000 से अबो के रिवार्ड पॉइंटों तक का आप तनिष्क का वाउचर नहीं परचेज कर पाएंगे। तो ये 5 डिवेल्यूशन हुए हैं एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्डों पर, जिनमें से 3 1 सितंबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएंगे और 2 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो गए। ये जो डिवेल्यूशन हुआ है इनसे आपको क्या फ़र्क पड़ा है कमेंट कर जरूर बताना। फिर से आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।